Hey everybody, welcome to my channel. I hope you all doing well. और सब मेरी वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है. सो गाइज, कल मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर कम हो गए, बट कोई बात नहीं, और आगे बढ़ जाएंगे. सो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि चैनल पर जो भी अपडेट आती रहेगी वो आपके फ़ोन पर, आपके लैपटॉप पर, जहाँ भी आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर आप लोगों को वो डिटेल मिलती रहेगी. सो गाइज, मेरा टॉपिक ही ऐसा है जो आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज जो है, मैंने बहुत ही अलग तरीके से स्लाइड बनाई है, और आज मैंने काफ़ी अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चन डाले, क्योंकि आज मंडे है. सो मैं चाहती हूँ मंडे को थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बोनस पॉइंट्स मिले. सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए. आप लोग अपने स्कोर नहीं बता रहे हैं, सो गाइज स्कोर ज़रूर बताइए कि आप लोगों के स्कोर कितने बन रहे हैं, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं, करेक्ट निकल रहे हैं. सो गाइज, मुझे भी पता चलता रहे कि क्वेश्चंस का स्लाइड का लेवल क्या है. सो मैं स्लाइड जो है बहुत अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ. आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी. सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक कुछ ना कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए होती है. और वैसे भी मैं अब अपनी हर एक वीडियो में जो क्वेश्चन मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसे हाईलाइट भी कर देती हूँ. सो गाइस, इससे अच्छा आप लोगों को क्या मिलेगा. सो प्लीज़ वीडियो को देखें और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्यूअर्स तो बहुत होते हैं बट लाइक कम आते हैं. सो गाइस, ऐसे मत कीजिए. जो लोग भी देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग लाइक तो कीजिए, कुछ तो नोन होंगे मेरे भी, तो डू सपोर्ट. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो. सो टुडे इज 27th अप्रैल 2020. आई होप आप लोग पेपर और पेन लेके बैठ गए होंगे. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और दिन के मुकाबले. और जिन्होंने मेरी वीडियो के पहले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक थॉट के साथ. तो थॉट है, योर माइंड इज अ गार्डन एंड योर थॉट आर द सीड्स. You can grow flowers or you can grow weeds. इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो एक गार्डन की तरह है, जहाँ सब कुछ आ सकता है, लेकिन जो आपके जो थॉट हैं वो सीड्स की तरह है. आप अपने गार्डन में जैसे सीड्स लगाएंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा. सो गाइज, हमेशा जो आपका थॉट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और आगे बढ़ते रहिए, हमेशा आप अच्छा ही करेंगे. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन सी टर्टल, सेकंड ऑप्शन इज लॉगर हेड सी टर्टल, सी ऑप्शन इज ऑलिव रेडली सी टर्टल, डी ऑप्शन इज लेदर बैक सी टर्टल. सो योर 10 seconds स्टार्ट्स नाउ. सो देख लेते हैं आंसर. सो आंसर इज लेदर बैक सी टर्टल. आंसर का ऑप्शन बी करेक्ट है. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. सो द लेदर बैक टर्टल आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल. सो ये लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है. ये कंसिडर किए जाते हैं वनरेबल अकॉर्डिंग टू IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और दे आर कंसिडर इनडेंजर्ड इन थाईलैंड. सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. Who has appointed as the new secretary to Ramnath, President Ramnath Kovind? So, option R, Ravi Sharma, B, Kapil Dev Tripathi, C, Sachin Shekhawat, D, Suryakant Mishra. Ramnath Kovind ji ke new secretary kon appoint kiye gaye hain? Aapko ye batana hai. So, answer dekh lete hain. Answer is B, that is Kapil Dev Tripathi. सो एक्सप्लेनेशन क्या है, कपिल देव त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद. सो द अपॉइंटमेंट किसने की थी, कमिटी बेस पे हुआ है, कैबिनेट कमिटी बेस पे. उनके हेड कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया गया अपॉइंटमेंट, और ये कब किया था, 20th अप्रैल 2020. सो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. विच रिवर इज नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज ताप्ती, सेकेंड माही, थर्ड साबरमती, फोर्थ लूनी. ये आंसर जो है बहुत इजी है इसका. सो गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसका आंसर. आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर इज ताप्ती.
So move on to fourth question. Fourth question is, where is rhodopsin, also called visual purple, located in the human body? Rhodopsin जो एक visual purple color का होता है, so ये human body में कहाँ पाया जाता है? So first option is hair, second hand, third nail, fourth option eye. ये बहुत easy question है और ये साइंस का क्वेश्चन है. सो आज मैंने काफी अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डाले हैं. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर इज आई, आंखें. सो फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स. सो गोल्ड कॉइन्स को गुप्ता पीरियड में किस नाम से बुलाते थे? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज दामा, सेकेंड ऑप्शन इज तंका, थर्ड रूपाका, फोर्थ दिनार. सो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज ज्यादा क्वेश्चंस हैं. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर इज दिनार, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सो मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स. सो ब्रिक्स से रिलेटेड आपको मैंने दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द आइडिया ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द ब्रिक्स वॉज मूटेड बाय चाइना एंड इंडिया. मीन्स ये जो आइडिया एस्टेब्लिशमेंट का ब्रिक्स का, ये चाइना और इंडिया ने डिसाइड किया था. सेकेंड ऑप्शन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन बीजिंग. सो आपको ये बताना है कि इनमें से दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है. सो ऑप्शंस आप लोगों को दे रखे हैं. फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट ओनली, बी सेकंड ओनली, सी बोथ वन एंड टू ओनली, और डी नाइदर वन और टू. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सबमिट वगैरह होती है इंडिया के किसी भी कंट्री के साथ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. सो आप लोगों को इन सबकी फुल फॉर्म जो होती है वो भी आनी चाहिए और कौन कौन इनके सबमिट के मेंबर्स होते हैं आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या है? डी, दैट इज नाइदर वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो आंसर की एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. क्या है? द जेनेसिस ऑफ द आइडिया, मीन्स जो ब्रिक्स का जो आइडिया था वो किसी भी मेंबर स्टेट का नहीं था, बट एक जो वहां के इकोनॉमिस्ट बैंकर थे उनका एक आइडिया था. सो उनका नाम क्या था? जिम ओनिल. सो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बीजिंग में नहीं है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है. सो एक और स्टेटमेंट मैंने दी है एक्सप्लेनेशन में, इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक. जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है. कौन ऑपरेट करता है? ब्रिक्स स्टेट. ओके, सो मूव ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, दैट इज एलिसा प्रोजेक्ट 2017. सो ये फोर्थ फोर ऑप्शन दिए गए हैं. सो इसमें से हमें ये बताना है कि पर्पस क्या होता है एलिसा का. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू डिटेक्ट न्यूट्रॉन्स, सेकेंड टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, सी टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या फिर डी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम. गाइज ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आज की स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. सो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं. सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. सो आंसर इज बी, दैट इज टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स. सो एलिसा इज अ लार्ज स्केल स्पेस मिशन डिजाइन टू डिटेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इल्यूसिव फिनोमिना इन द एस्ट्रोनॉमिक ग्रेविटेशनल वेव्स. सो एलिसा जो है वो एक लार्ज स्पेस मिशन है, उसका काम क्या होता है? ताकि ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सके. हम जो है लीसा के थ्रू, यानी कि वी विल एबल टू ऑब्जर्व द इंटायर यूनिवर्स डायरेक्टली विद ग्रेविटेशनल वेव्स. लीसा के थ्रू हम अपना पूरा यूनिवर्स जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से. लर्न कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को, गैलेक्सीज को, और जो भी यूनिवर्स में एवोल्यूशन हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, और जो नेचर है स्पेस टाइम का वो भी देख सकते हैं. सो ये अच्छा क्वेश्चन है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ बायोसाइट्स वर्क. सो बायोसाइट्स जो है वो कैसे वर्क करता है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कंट्रोल द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, सेकेंड किल द इंसेक्ट्स, थर्ड मैनेज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मटीरियल, या फिर डी कंट्रोल द बैक्टीरिया. सो बायोसाइट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अभी बताऊंगी क्या होता है. सो पहले आप इसका थोड़ा सा हिंट लगाइए कि क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है. आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और क्वेश्चंस कर रहे होंगे साइड बाय साइड, और मुझे प्लीज बताइए, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज स्कोर बताइए अपना, आप लोगों का कितने आंसर्स करेक्ट है. सो देख लेते हैं.
आंसर जो है वो बी है, यानी कि इट किल्स इंसेक्ट और बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह वो सब. सो बायोसाइड्स जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है. जैसे कि हम काफी चीजों में बायोसाइड जो है वो यूज करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जैसे स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं उसमें क्लोरीन की टैबलेट वगैरह जो है वो डाली जाती है. इसलिए कभी देखा होगा आपने कि जब पानी साफ हो रहा होता है स्विमिंग पूल का, तो जो टैबलेट डाली जाती है तो पानी का कलर थोड़ा ब्लू होता है. सो वो धीरे धीरे ठीक होता रहता है. सो ये जो है बायोसाइड जो है वो एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है. कॉस्मेटिक वगैरह में यूज किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम आता है, पेस्टिसाइड्स की तरह भी काम आता है, और एंटीसेप्टिक भी होता है. सो आज मैंने एक फिलिंदा ब्लैंक्स दिया है स्लाइड में. सो क्वेश्चन क्या है, इन 2019 डैश इंट्रोड्यूस अ क्लॉज एज पर विच इफ one is applying for the visa to that country, one needs to furnish a social media track record of the past 5 years. So first option Japan, second France, third USA, fourth UK. So इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि 2019 में किस कंट्री ने एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया वीजा के लिए कि भाई आपको अपने सोशल मीडिया रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे एटलीस्ट 5 years के. सो कौन सी कंट्री है देख लेते हैं, USA. सो आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, सो हु इज द हेड ऑफ NTPC. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अभय कुमार सिंह, सेकेंड गुरदीप सिंह, सी प्रयाग राजा, डी राकेश शर्मा, ई अभय सिंह. सो आंसर इज डी, दैट इज गुरदीप सिंह. सो हम NTPC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सो NTPC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज NTPC हैज इनवाइटेड ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस एंड एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स इन लेह एंड दिल्ली. इसका मतलब ये है कि NTPC ने इन्वाइट किया EOI को टू प्रोवाइड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ताकि इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक कार वगैरह में यूज किया जा सके. कहाँ पर, लेह और दिल्ली में. सो गाइज ये थे आज के 10 क्वेश्चंस. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को एंड तक जरूर देखें. आपने देखा होगा कि वीडियो के बीच में मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रखे थे. सो गाइज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए.